हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि स्पेशल होगा एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए, जो कि रेलवे का एनटीपीसी एग्ज़ाम होगा, जो कि जल्द ही होने वाला है, उसके लिए स्पेशल होगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, इसमें मैं जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो सारा ही प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग वही आएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसको आप पूरा देखिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? बायोस, जिसका मीनिंग होता है लिविंग, यानी कि सजीव, ठीक है। दूसरा जो बना है लॉगोस, जिसका मीनिंग होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन, ठीक है। इससे दोनों मिलके क्या मीनिंग इसका निकला? स्टडी ऑफ लिविंग्स, यानी कि सजीवों का ही अध्ययन हम करते हैं। किसमें? बायोलॉजी में, ठीक है। अब सजीव क्या होता है तो आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। सजीव क्या होता है? सजीव वो होता है जिसमें पांच गुण हो। कौन कौन? वो रेस्पिरेशन करता हो, यानी कि श्वसन करता हो, न्यूट्रिशन करता हो, यानी कि पोषण करता हो, मूवमेंट करता हो, चौथा ग्रोथ डेवलपमेंट करता हो, और पांचवा रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करता हो। ये पांच गुण जिसमें होता है वो क्या होता है? वो सजीव कहलाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा कि बायोस क्या होता है, लेकिन एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसको मैंने दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट समझिए कि बायोलॉजी जो है, जैसा कि हम जानते हैं, बायोलॉजी वो साइंस का एक ब्रांच है। बायोलॉजी जो है साइंस का एक ब्रांच है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का तीन ब्रांच है, कौन कौन? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी को साइंस का जो ब्रांच बनाने में श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो जाता है अरस्तू को। अरस्तू ने ही बायोलॉजी को साइंस का एक ब्रांच के रूप में, यानी कि शाखा के रूप में स्थापित किया है। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? अरस्तू को बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं, बायोलॉजी के पिता किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, अरस्तू को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, जैसा कि हमने सजीव के बारे में पढ़ा, अब सजीवों का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले जो किया था सजीवों का वर्गीकरण वो किया था कार्लस लिनियस ने। किसने किया था? लिख देते हैं हम यहाँ पे, सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों को वर्गीकरण यानी क्लासिफाई किसने किया था? तो याद रखिएगा, केरोलस लिनियस ने। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि सजीवों का वर्गीकरण किसने किया था? केरोलस लिनियस ने किया था, ठीक है। इन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो दो टाइप में किया था। इन्होंने कहा था कि जो जीव है वो दो प्रकार के होते हैं। केरोलस लिनियस ने क्या कहा कि जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है पादप, यानी कि प्लांट, और दूसरा होता है जंतु, यानी कि एनिमल। इन्होंने क्या कहा कि जीव जो है, जितना भी जीव है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो हो सकते हैं पादप हो, या हो सकते हैं वो जंतु हो। और इन्होंने जो ये बात कही एक बुक में कही थी, उस बुक का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरे। क्या नाम था? सिस्टेमा
नए छुरे, ये बुक का आप नाम याद रखिएगा। इसी बुक में जो है केरोलस लिनियस ने सजीवों को दो भागों में डिवाइड किया था, पादप और जंतु में, ठीक है। अब जब यहां से वर्गीकरण का स्टार्ट हुआ, सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? केरोलस लिनियस ने किया। सब इसलिए जो है, और एक चीज याद रखिए कि किसी भी चीज को वर्गीकरण करने की स्टडी को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी, यानी कि स्टडी ऑफ, देखिए मैं ऊपर लिख देता हूं, इतना बात आप याद रखिए। और जबकि वर्गीकरण किसने किया सबसे पहले? केरोलस लिनियस ने। और किसी भी चीज का वर्गीकरण करने को स्टडी को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी, यानी कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी, ठीक है। यानी कि वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। याद रखिएगा, वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्गीकी, ठीक है, क्या कहलाता है? वर्गीकी, वर्गीकरण का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है, ठीक है। अब जब सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया, क्लासिफाई किया? तो केरुलस लिनियस ने। इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है केरोलस लिनियस को ही, केरोलस लिनियस को ही बोला जाता है। ये आप याद रखिएगा, वर्गीकी का पिता किसको बोला जाता है? केरोलस लिनियस को। अब जब केरोलस लिनियस ने सजीव को दो भागों में विभाजित कर दिया, जंतु और पादप में, तो बायोलॉजी में भी जो है वो दो भाग में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें? एक किया गया जूलॉजी, जिसको बोला गया जंतु विज्ञान, और दूसरा किया गया बोटनी, यानी कि जिसको बोला गया पादप विज्ञान, ठीक है। एक हो गया जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, एक हो गया पादप विज्ञान यानी कि बोटनी। नेक्स्ट है, अब देखिए, जैसा कि एक बात और याद रखिए कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? याद रखिएगा, किसने किया था? दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लेमार्क और दूसरा ट्रेवी रेनस ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रेवी रेनस ने। ये याद रखिएगा कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने। याद रखिएगा कब किया था? 1801 में, ठीक है। और हमने ये पढ़ लिया है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। और अरस्तु को जो है, याद रखिएगा, एरिस्टोटल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरिस्टोटल, ठीक है। अब देखिए, फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के पिता किसे बोलते हैं? तो याद रखिएगा, ये भी किसे बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। अब ये अरस्तु को क्यों बोलते हैं? क्योंकि अरस्तु ने जो है बहुत पहले 500 जंतुओं का एक बुक में उसने वर्णन किया था। कितना? 500 जंतुओं का एक बुक में वर्णन किया था। उस बुक का नाम याद रखिएगा क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। इस बुक का आप नाम याद रखिएगा। इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी कैसा, किसे बोला गया? अरस्तु को बोला गया। नेक्स्ट याद रखिएगा कि फादर ऑफ बोटनी यानी कि
पादप विज्ञान के पिता किसे बोला बोलते हैं? तो याद रखिएगा किसे बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। अब इससे क्यों बोलते हैं, तो याद रखिएगा इन्होंने भी 500 यानी कि पेड़ पौधे का वर्गीकरण किया था। 500 पेड़ पौधे को एक बुक में उन्होंने उनका वर्णन किया था। उस बुक का नाम याद रखिएगा, उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लैंटेनम। क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लैंटेनम। 500 किस्म का पौधे का इन्होंने इस बुक में वर्णन किया था। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने 1801 में। अरस्तु जो है जिसको एरिस्टोटल बोलते हैं उसे फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोलते हैं, वो भी अरस्तु को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, क्योंकि इन्हें इन्होंने एक बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलियम, उसमें 500 जंतुओं का वर्णन किया था, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी इन्हीं को बोला गया। फादर ऑफ बोटनी किसे बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखा था, उस बुक में 500 किस्म पौधे का वर्णन किया था। उसका नाम क्या था बुक का, हिस्टोरिया प्लेटेनम, हिस्टोरिया प्लेटेनम, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है याद रखिएगा कि फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता जो है बोलते हैं एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक को, एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक इसको बोलते हैं, ठीक है। और इससे एक बात और याद रखिएगा कि एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। किसकी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक ने ही किया था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और बात याद रखिएगा कि फादर ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा विज्ञान के पिता किसे बोला जाता है। तो ये जितना भी मैं यहाँ बता रहा हूँ सारा ही इम्पोर्टेंट है और सारा ही प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। जितना भी मैं डिस्कस करूँगा बायोलॉजी में सारा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देखिए, फादर ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं, हिप्पोक्रेटस को, हिप्पोक्रेटस को बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इतना था। इसके बाद जो है जीवों को 5 प्रकार से भी बांटा गया। जीवों को पहले 2 प्रकार में किसने बांटा, तो केरुलस लिनियस ने बांटा, लेकिन इसके बाद बहुत बाद जो है जीवों को 5 प्रकार में बांटा गया। और 5 प्रकार में किसने बांटा ये भी नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा उसका नाम था एच हटेटकर। क्या नाम था? एच हटेटकर। इन्होंने 5 प्रकार में जो बांटा उस 5ों का नाम याद रखिएगा। एक का नाम है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप यानी कि, ठीक है, चौथा है कवक यानी कि फंगी, और 5वां है एनिमेलिया, एनिमेलिया। तो इसने 5 प्रकार में इसको बांटा। इसको हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमेलिया के बारे में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको
पसंद आया होगा। बायोलॉजी का जो ब्रीफली था उसमें जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको चला जाएगा। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।